आई थिंक हम सबको पता है कि कोविड की वजह से हम कोई भी फेस्टिवल मन भर के नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे थे, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, बट फाइनली ये साल मुझे ऐसा लग रहा है कि सब खुले मन से सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल एंड आई एम श्योर कि मैं बहुत सारे लोगों को अंदर मिलूंगी भी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू, हैप्पी होली. कमाल ही एक गाना है मेरा जिसका नाम है दगा बाय बी ब्रैक
जो कि बहुत ही अमेजिंगली हिट चल रहा है, और इस साल सारी बड़ी मूवीज आई थिंक 5 से 6 बैक टू बैक मूवीज में मेरे सॉन्ग्स हैं, तो उसके लिए चीयर्स टू मी। एंड इन्वेजन इज द इवेंट जो हम सब फ्रेंड्स ने मिलके खड़ा किया है, एंड आई होप इट डज अमेजिंगली वेल दिस ईयर। सारे फ्रेंड्स का इक्वल एफर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा ठंडाई का स्टॉल है। एज यू कैन सी, जितना पियेंगे उतना ही नाचने वाले हैं। हैप्पी होली। मैसेज टू माय फैंस इज, चाहे कोई कितना भी तंग करे, तंग होने का नहीं, तंग करने का, हैप्पी रहने का। बहुत सारे कलर्स लाइफ में ऐड अगर करने हैं तो ब्लैक कलर को आउट कर दो, और ब्लैक का मतलब होता है ना, नो नेगेटिविटी, राइट? सो अ मैसेज टू माय फैंस इज, बी हैप्पी, स्टे फोकस्ड, एंड वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, लेट नो नेगेटिविटी इवन टच योर ब्रेन, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी। चीयर्स। कैन आई टेक अ पिक विद यू? या या। Wish you all a very happy Holi. Thank you so much for having me here. I'm super excited and बहुत मजा आने वाला है। बहुत ज़्यादा excitement है, like I'm really excited to be here. My friends are here, so I'm going to see them. 2 साल बाद enjoy करने का मौका आ रहा है, तो why not? We'll have fun. पिचकारियाँ ऑब्वियसली एंड परमानेंट कलर्स, पिचकारियाँ ज़्यादा। सेलिब्रेट होली, जस्ट बी सेफ, अवॉइड परमानेंट कलर्स एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स है, 2 साल बाद होली मन रही है अच्छे से, और मौसम भी अच्छा है फॉर अ चेंज, तो मज़ा आने वाला है। Thank you so much. Thank you. यार मुझे लग रहा है ये होली होली से ज़्यादा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सालों के बाद अपने सारे कलीग्स को मिलने वाले हैं, जो भी इंडस्ट्री के थे, हम जिससे भी हमारा टच हो गया था, तो आज वो दिन है सबसे मिलने का और एक दूसरे को रंग लगाने का और सबके लिए खुश होना है क्योंकि हम अभी तक बचे हुए हैं, थैंकफुली। तो आपका ऐसा कुछ यादगार जो आपने लास्ट टाइम मिस किया हो 2 साल?
यार होली इन्वेजन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आनंद शर्मा, आनंद मिश्रा जो है वो मेरे लिए बहुत ही मेरे मतलब भाई जैसा है, तो मैं इन्वेजन मिस नहीं कर सकता. और होली इज़ ऑल अबाउट कलर्स, इट्स ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग क्लोज वंस, बीइंग विद देम एंड जस्ट एंजॉय लाइफ, दैट्स इट. बचपन की यादें तो बहुत सारी है, हर होली स्पेशल थी और हम तब कह सकते हैं कि बहुत ही गंदी होली खेलते थे. आजकल हम बहुत ही ऑर्गेनिक कलर से खेलने लगे हैं, थोड़े से सलीके से खेलते हैं. पहले तो ऐसे होता था कि ऑयल पेंट से खेलते थे जो कलर निकलने में एक हफ्ता लगता था. अब मैं अपने सारे फैंस को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि ये होली कोविड के बाद की पहली ऐसी होली है जहाँ हम सबके खुल के मना रहे हैं. तो प्लीज़ अपनी लाइफ से भी स्ट्रेस को निकालिए और खुल के जिए. थैंक यू सो मच, हैप्पी होली, थैंक यू. ड्रिंक एंड ड्राइव.
हालांकि वो गुजरात में है, मेरी फैमिली गुजरात में रहती है, मैं और मेरा भाई बहुत होली खेलते थे और वो हमेशा मुझे, मतलब मुझे पहले होली इतनी पसंद नहीं थी, मुझे रंग भी इतने पसंद नहीं थे, पर हाँ मेरे भाई के साथ रहते रहते मुझे होली पसंद आने लगी। सो मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपने भाई को। थैंक यू। दर्शकों के साथ है, आप सबके साथ है, और जब साथ में होली खेलते हैं उसमें ही तो मजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 या 3 साल के बाद हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कोविड के बाद, इसलिए जोश और जश्न ज्यादा है। स्पेशल तो यही, दोस्तों को मिलेंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे और भांग पिएंगे। बचपन में तो हम जल्दी तैयार होकर बिल्डिंग में जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, उसमें अलग नज़ा आता था, लेकिन अब इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, इवेंट ही हो गया है, तो उसका अलग नशा है। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी, और अपना अपना ध्यान रखिए, एंड प्लीज ज्यादा भांग पी के लड़कियों को मत छेड़ना, ये एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है सबसे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बहुत एंजॉय किया है। इट्स लाइक हैप्पी होली गाइज, वी हैड लॉट ऑफ फन एंड वी आर लाइक ऐसे थोड़ा कलर कॉन्शियस, ऑर्गेनिक कलर, सो लाइक या वी आर टेकिंग केयर ऑफ स्किन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस एंजॉय बहुत किया, बहुत फन किया, और अभी करने वाले हैं हम लॉट मोर टू गो। ओके, एक जल्दी आने वाला है, वेब सीरीज आने वाली है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो अभी तो इतना है ना वो बताना नहीं है, लेकिन जल्दी आने वाला है एक प्रोजेक्ट। मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, एक सीरीज आने वाली है, उसका नाम है स्कूटर, इट्स फॉर कलेक्टिव इंडिया, इट्स अ न्यू OTT प्लेटफॉर्म, एंड दे आर प्लानिंग टू रिलीज इट ऑन हॉटस्टार एज वेल, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल यू कैन डू इज होप एंड वर्क हार्ड, एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, सो या थैंक यू सो मच। एंजॉय करो गाइस, मैं उनको कहना चाहूँगी कि बहुत इंजॉय करो, क्योंकि ये साल में हर बार आता है, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम खुल के इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली सभी मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा, तो इंजॉय करो। यस, और कलर्स आर लाइक फुल ऑफ लव, सारे कलर्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जैसे कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर, एंजॉय विद योर फैमिली, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, एंड हैप्पी 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 होली गाइस, यू डू गाइस, हैप्पी होली एवरीवन, थैंक यू।